हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल एजुकेशन हाइक्स। दिस इज प्रेम पांडे हियर। आज हम बात करने वाले हैं, सीबीएसई ने अभी जस्ट एक प्रेस नोट रिलीज किया था आज ही के दिन 29 अप्रैल 2020 के दिन। अब मैं आपको बता दूं ये प्रेस नोट रिलीज क्यों किया इसने। हमारे एचआरडी मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने एक प्रपोजल दिया था सीबीएसई को, कहा था, अभी परसों की बात है, कहा था इन्होंने कि सीबीएसई को क्लास 10th एंड 12th की एग्जाम्स कैंसिल करा देने चाहिए। फिर से ध्यान से सुनिए, मनीष सिसोदिया ने ये प्रपोजल दिया था कि सीबीएसई के क्लास 10th एंड 12th के एग्जाम को कैंसिल करा देना चाहिए और उन्हें इंटरनल असेसमेंट के बेस पे उन्हें पास आउट कर देना चाहिए। और इसी को क्लेरिफाई करते हुए हमारे बोर्ड ने आज ही के दिन 29 अप्रैल 2020 को एक प्रेस नोट रिलीज किया। उसमें इसने क्या-क्या कहा है, चलिए देख लेते हैं। विद रिगार्ड्स टू कंडक्ट ऑफ क्लास 10th एग्जामिनेशंस, सेवरल क्वेरीज आर बीइंग रिसीव्ड बाय द सीबीएसई का कहना है कि क्लास 10th की एग्जाम्स को लेकर काफी समस्याएं हैं, काफी प्रश्न उठ रहे हैं लोगों के मन में इन दिस कॉन्टेक्स्ट। और इसी बारे में इट इज वंस अगेन रीट्रेटेड दैट रिमेनिंग एग्जाम्स ऑफ क्लास 10th एज स्टेटेड इन द प्रेस रिलीज डेट 1/4/20 विल बी कंडक्टेड बाय सीबीएसई। फिर से सुनो, 1/4/2020 को जो भी प्रेस रिलीज इन्होंने प्रेस नोट इन्होंने रिलीज किया था उसी के अनुसार सीबीएसई अपना एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि 1 अप्रैल 2020 को सीबीएसई ने एक प्रेस नोट रिलीज किया था, उसमें इसने कहा था कि ऑल इंडिया के लिए क्लास 10th में कोई एग्जाम नहीं रह गया है, केवल नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जो पोस्टपोन्ड एग्जाम्स हैं। और बकायदा सीबीएसई ने उस सब्जेक्ट की लिस्ट भी डाली हुई थी क्लास 10th एंड 12th की, मैंने उसके लिए भी वीडियो बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जो 1 अप्रैल 2020 को सीबीएसई ने प्रेस नोट रिलीज किया था उसके बारे में आपको पूरे सब्जेक्ट की लिस्ट मिल जाएगी कि कौन से एग्जाम्स आपके होंगे, कौन से एग्जाम्स नहीं होंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग यहां पर इसने कहा है कि जो हमने 1 अप्रैल 2020 को हमने सीबीएसई ने जो प्रेस नोट रिलीज किया था उसी के अकॉर्डिंग सीबीएसई अपना एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। इट इज वंस अगेन क्लैरिफाइड, और एक बार फिर से साफ कर दिया है सीबीएसई ने कि लगभग 10 दिन पहले सीबीएसई सारे स्टेक होल्डर्स को बता देगी कि एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। देयरफॉर और इसी के लिए देयर इज नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ होल्डिंग बोर्ड एग्जाम्स, और इसी के लिए कोई भी ना डेट की चेंजिंग हुई है ना ही इन्होंने डेट अभी तक अनाउंस किया है। बस इन्होंने इतना कहा है कि जैसे ही हमारा लॉकडाउन खत्म होता है उसके 4 दिन के बाद ये अपना इवैल्यूएशन प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे, ये अपनी डेट शीट रिलीज कर देंगे, अपने एग्जाम्स जो नहीं हुए हैं उसको कंडक्ट कराने की डेट शीट ये रिलीज कर देंगे। एंड द पोजीशन कंटीन्यूअस एज पर इंफॉर्मेशन गिवन वाइड प्रेस रिलीज डेटेड 1/4/20। और इन्होंने कहा कि बाकी एग्जाम्स की जो इंफॉर्मेशन है वो आप 1 अप्रैल को जो हमने प्रेस नोट रिलीज किया था वहां से आप ले सकते हो। और आखिरी 2 लाइन में इसने कहने की कोशिश की है कि इट इज ऑल्सो इन्फॉर्म दैट एग्जामिनेशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट, मतलब कि ये भी आपको बता दिया जाता है कि क्लास 10th एंड क्लास 12th की जितने भी एग्जाम्स 1/4/2020 को जो हमने सब्जेक्ट की लिस्ट निकाली थी उसमें जितने भी एग्जाम्स थे वो होंगे, कोई भी एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ है। तो आप समझ लीजिए ये मनोज सिसोदिया जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर हैं उनके मुंह पे एक तमाशा है, जिन्होंने कुछ प्रपोजल दिया था कि नहीं सीबीएसई को 10th एंड 12th का एग्जाम्स नहीं करानी चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रेस नोट रिलीज्ड बाय सीबीएसई ऑन डेटेड 29/4/2020। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम आपको ऐसे ही ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।